प्रॉब्लम्स, इनसे आप परीक्षण के बारे बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बात करती हैं, आप बहुत अच्छी साधना भी करती हैं। योगिनी मेघा जी से मैं आग्रह करूँगा किस चीज़ पे आए और अपना वक्त करें, स्टार्ट अपनी स्पीच स्टार्ट करें। योगिनी मेघा जी, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज गिव अ वेरी बिग राउंड ऑफ क्लैप योगिनी मेघा जी के लिए। योगिनी मेघा जी आज के कार्यक्रम का स्वागत कर रही हैं, स्टार्ट कर रही हैं। योगिनी मेघा जी से शुक्र, शुक्र लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी शुक्र से स्टार्ट है कार्यक्रम का, और ये कार्यक्रम बहुत ही फैबुलस होने वाला है। योगिनी मेघा जी के द्वारा पहली स्पीच, धन्यवाद। वासांसी चरणानि यथा विहाय नमानि गृणाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जिन्यानि संयाति नवति देहि। नमस्कार, मैं योगिनी मेघा और इस इस्कॉन ऑडिटोरियम में आप सभी प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों को मेरा सादर प्रणाम। एंड स्पेशल थैंक्स टू राजीव गोयल जी who has organized very nice program here. Let's see. आज बहुत से ज्ञानी हैं जो अलग अलग विषयों पर अपना अपना विचार विमर्श करने वाले हैं, जैसे ज्योतिष, अंक शास्त्र, लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप लोग इस मेरे श्लोक से समझ गए होंगे। देखिए, इस श्लोक में ये एक मैंने जो श्लोक लिया है वो हमारे भगवद गीता से लिया है, और उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से शरीर एक आत्मा से दूसरी आत्मा में प्रवेश करता है, और बहुत ही खूबसूरती से इसमें पुनर्जन्म यानी रीबर्थ से कनेक्ट किया गया है कि किस तरह से एक आत्मा अपने अलग अलग जन्मों से एक जर्नी करती है पूर्ण। तो चलिए, जी हाँ, ये बात है कर्मों की, पुनर्जन्म की, री इंकारनेशन की, और आज का मेरा टॉपिक है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी। आप लोगों ने काफ़ी इस बारे में सुना होगा, तो मैं आप लोगों से यही एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि आज की आपकी लाइफ में इसके कुछ एविडेंस मिलते हैं? आपने कभी फील करा है, किसी के साथ ऐसा हुआ है? ठीक है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ जिससे शायद आप लोग कनेक्ट कर पाए। आप कभी किसी से भीड़ में मिलते हैं और आपको ऐसा फील होता है कि हम इस इंसान से पहले भी कभी मिल चुके हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको फील होता है, हुआ है आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा? यस। एंड दूसरी चीज, अगर मैं आपसे पूछूं, कभी आप किसी जगह को विजिट करने गए, ठीक है, एंड यू फील कि आई हैव बीन हियर, कि मैं यहाँ पे पहले भी आ चुकी हूँ या आ चुका हूँ, और यू फील वेरी वेरी कंफर्टेबल देयर, इट हैपेंस विद अस, राइट? वेरी नाइस। थर्ड थिंग, नाउ वी आर कनेक्टिंग, एक बच्चा जिसने एक परिवार में जन्म लिया, ठीक है, उसकी पसंद और नापसंद इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है कि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कई लोग परामर्श के लिए आते हैं, वो कहते हैं मैम ऐसा लगता है हमारे घर में तो कोई संत आ गया, क्योंकि हम लोग सब खाते पीते हैं, नॉनवेज भी चलता है, लेकिन ये बच्चा तो लहसुन प्याज भी नहीं खाता। अब आपको क्या लगता है, ये बच्चा अपने संस्कार लाया है पिछले जन्म के, ठीक है? तो इस तरह के केसेस जो हैं हमें बताते हैं कि हाँ, हमारा संबंध है हमारे पिछले जन्म से। तो चलिए, आज इसी बात की चर्चा करते हैं, हमारे कर्मों के कनेक्शन से और हमारे पुनर्जन्म से। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज पुनर्जन्म। पुनर्जन्म एक्चुअली होता क्या है और इसका क्या कनेक्शन है हमारे कर्मों से? देखिए, ब्रह्मांड में बहुत सी आत्माएं हैं। आपने देखा है जब हम जन्म लेते हैं तो लोग पूछते हैं भाई पुनर्जन्म है क्या? तो भाई आपके कुछ उद्देश्य हैं, आपके कुछ कर्म हैं, कुछ तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। आपने देखा एक्सीडेंटल डेथ, या फिर हमारे कुछ कुछ कर्म जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं, होता है ऐसा, तो उसके चक्कर में आपको पुनर्जन्म लेना पड़ता है। दूसरी चीज़, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ आत्माएं इस खूबसूरत धरती पर केवल अनुभव के लिए भ्रमण करती हैं, कुछ समय रहती हैं फिर चली जाती हैं, या फिर कभी ऐसा कि अपने इतने पुण्य कर्म करते हैं कि इस चक्र से ही वो मुक्त हो जाती है। आजकल सारे लोग यही चाहते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए, होता है ना ऐसा? तो यही सब कारण है कि हम पुनर्जन्म लेते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का एक मिथ है कि वो कहते हैं कि भाई पुनर्जन्म इज लाइक अ पनिशमेंट फॉर अस। आई डोंट बिलीव सो, ठीक है, क्योंकि कर्मों की अगर हम बात करें, और आज हम इस्कॉन के इस ऑडिटोरियम में खड़े हैं,
जो कृष्ण भगवान की भूमि से ही रिलेटेड है, तो हम कर्मों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई नहीं, कर्म का एक नियम है, जो कुछ आप ब्रह्मांड में भेजते हैं उसका कहीं ना कहीं रेसिप्रिकेशन होता है, आपको उसको वापस लेना ही पड़ता है। तो ये सब एक आदान प्रदान है जो हमें सुख दुख कर्मों के जरिए फेस करना ही पड़ता है। अब बात करते हैं PLR की, आप सब जानते हैं पास्ट लाइफ, ठीक है। हमारा मन पूर्णतया एक ही तरीके का नहीं है, वो चेतन और अवचेतन दोनों से मिलकर बना है। चेतन मन यानी हमारा कॉन्शियस माइंड, इट वर्क्स ऑन लॉजिक्स एंड ऑल्सो इट इज वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ लाइक अ आइसबर्ग, ठीक है। तो जब इतना छोटा पार्ट है उसका, तो बताइए इतनी सारी मेमोरीज कैसे रखेगा वो, है ना। आपने सिंपल एक कंप्यूटर से भी देखा, हमें एक बैकअप प्लान की ज़रूरत होती है जिसमें हम चीज़ों को स्टोर करते हैं, कुछ इस जन्म की, कुछ पिछले जन्म की, और थोड़ी थोड़ी पुरानी जानकारी के रूप में हम उसको संजो के रखते हैं। और इसी तरह हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है। तो लेकिन एक ड्रॉबैक है, सबकॉन्शियस माइंड हमारा ऐसे ही काम नहीं करता जैसे हमारा कॉन्शियस माइंड कर रहा है, जैसे मैं अभी डिसीजन ले रही हूँ या फिर मैं कुछ बोल रही हूँ। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को काम करने के लिए हमेशा एक डीप रिलैक्सेशन की जरूरत पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस। एंड यही वो स्टेज है जहाँ पे हम एज अ थेरेपिस्ट, PLR थेरेपिस्ट, हम काम करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी इंडिविजुअल को ले जाके उसको अपने पुनर्जन्म या फिर उसको अपने पास्ट लाइफ के से कनेक्ट करने के लिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग थेरेपी है और बहुत ही अच्छी थेरेपी है। अगर आप एक्चुअली हीलिंग की बात करें तो इसका एक प्रोसेस है, आज की चीज़ों की प्रॉब्लम जो रूट कॉज है, अगर आपको सडनली महसूस करें कि मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं, है ना, और आप इसके लिए ढूंढ रहे हैं कि कोई इंसान के आने से सडनली आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आ सकते हैं, या फिर कोई भी किसी चीज़ का मूल कारण आप ढूंढ रहे हैं, तो अपने पास्ट लाइफ में हम आपको लेके जाते हैं, उसके बाद उस चीज़ को प्रेजेंट से कनेक्ट करके उसकी हीलिंग करते हैं। सो दिस इज़ द वे आपके जो फ्यूचर लाइफ है उसको खूबसूरत बनाया जाता है। इसका जो मेन केंद्र है वो है सरेंडर, क्षमा। जब तक आप जो आपके कष्ट आए हैं इस जन्म में, चाहे वो दोस्तों के रूप में है, आपके रिश्तेदारों के रूप में है, या फिर कभी ऐसा है कि इस लाइफ में सडनली आपको किसी ने धोखा दे दिया, ऐसा होता है ना। और लोग हमारे पास आते हैं, कंसल्टेशन जिनका होता है वो हमेशा आते हैं और कहते हैं कि मैम मैंने आज तक कभी भी ऐसा नहीं करा, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये कॉमन डायलॉग है, हम सब भी मारते हैं कभी कभी लाइफ में, करते हैं ना। तो एक्चुअली इफ़ यू कनेक्ट तो ये इस जन्म के नहीं होंगे, बट बेशक आपने कुछ ना कुछ पिछले जन्म में ऐसा किया है जो आपके इस जन्म में वो आपके रिश्ते के रूप में, मित्र के रूप में, यहाँ पे आपके कष्टों के रूप में आ रहे हैं और आपको उनका सामना भी करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत अच्छी थेरेपी है, हम आपको उसी स्टेज में जाके उसमें क्षमा देकर या क्षमा मांगकर उसकी हीलिंग करते हैं और आपके भविष्य को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा होता है जो आज आप अपने को पीड़ित के रूप में महसूस कर रहे हैं, विक्टिमाइज आप फील कर रहे हैं अपने को, कहीं ना कहीं आपने किसी जन्म में उस इंसान को सेम पीड़ा दी है, तब वो इंसान पीड़ित था और तब आप अपना कर्म कर रहे थे। लेकिन आज आपका काम है कि उस पीड़ा को दूर करने के लिए आप क्षमा करें, सरेंडर करें और अपने को हीलिंग कराएं, ठीक है। तो बस इसका मेन चीज़ है आपको बैलेंस करना है। चाहे बैलेंस कीजिए इन लेसन्स को जो आपको अभी मिल रहे हैं, और बस ये तो एक इंट्रोडक्शन है जो मैं आपको PLR का दे रही हूँ। बाकी बहुत कुछ है, जैसे हम इसको न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करते हैं, कार्मिक नंबर होते हैं, ज्योतिष में जो हम कहते हैं कि भाई हमारे पितृ दोष है, काफ़ी दोष होते हैं जो हमारे कार्मिक, हमारे कर्मों से जुड़े हुए हैं। टॉपिक इज टू वास्ट, बट एंड एक्चुअली आई कैन स्पीक फॉर आवर्स ऑन दिस टॉपिक, लेकिन अभी समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं यहीं इसको समाप्त करती हूँ। और अंत में यही कहना चाहूँगी कि अगर पुनर्जन्म को सुधारना है तो आप अपने पास्ट लाइफ में उसको रेक्टिफाई करके अपने प्रेजेंट लाइफ को सुधारिए। आपके कर्म भी सुधरेंगे और आपके जन्म भी सुधरेंगे। धन्यवाद। जय श्री राधा कृष्ण। तो धन्यवाद करना चाहूँगी योगिनी मेघा जी का।